हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, चलो बड़े ही होना चाहिए। आज हम 10th वीडियो लेक्चर पे आ गए। टॉपिक नंबर 5 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जिसके कॉन्सेप्ट के बारे में सारे का सारा आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज 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 मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जरूर पहले क्या देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट की वीडियो को देखें, जो कि लगभग 19 to 20 मिनट्स की है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चार बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा। हमारे पास चार क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू मैं अपने उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा पाऊंगा और बता पाऊंगा। ठीक है बेटा? याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यदि नहीं देखा हुआ या भूल गए तो प्लीज एक बार 9th वीडियो को देख लीजिए, तभी 10th वीडियो को हम स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, वो सब कह रहे हैं हमने देख ली। पक्का सबने देख ली? ठीक है जी, आओ शुरू करें। हमारे पास बेसिकली चार एग्जाम्पल हैं, पर हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल से। सेकंड, फर्स्ट, देन थर्ड एंड देन फोर्थ एग्जाम्पल करेंगे, सो दैट कि हमें अपनी सारी बात एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं आपके साथ ही हूं, आओ शुरू करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आओ जी, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना। सर आप भी ध्यान से सुनना। आओ, ए एंड बी कौन है बेटा? फर्म में ए और बी पार्टनर्स है। कौन है भैया? दो बंधु है, दो बंधु है, दोनों पार्टनर है। दोनों कौन है बेटा? पार्टनर्स है। पार्टनर्स किसमें? एक फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में, जिनका कैपिटल 15 लाख और 9 लाख है। कब? 1 अप्रैल 2019 को। कब? 1 अप्रैल 2019 को, मतलब साल की शुरुआत में। साल की शुरुआत में उनका कैपिटल कितना है बेटा? 15 लाख एंड 9 लाख। दे बोथ डिसाइडेड, इन दोनों ने डिसाइड किया है कि इनका कैपिटल जो होगा वो 12 लाख होगा, 12 लाख रुपए होगा 1 अक्टूबर को। कितना होगा बेटा? 12 लाख रुपए होगा। कब होगा? 1 अक्टूबर को 12 लाख रुपए होगा। वॉट इट? और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 9% है। आप कैलकुलेट करो, ये वर्ड लिखा है बेटा कैलकुलेट। वो कह रहा है सर ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। बेटा वर्ड लिखा है कैलकुलेट, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पास जर्नल एंट्री करके दिखाओ सारी की सारी। आओ जी शुरू करें बेटा। पहले मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, मेरा साल शुरू कब होता है और मेरा साल खत्म कब होता है ये बताओ। मेरा साल सर शुरू होता है 1 अप्रैल 2019 को और ये खत्म होगा 31 मार्च 31 मार्च 2020 को। मतलब साल के शुरू में ए का कैपिटल और बी का कैपिटल कितना था बेटा बोलना? 15 लाख रुपीस और इसका था 9 लाख रुपीस। इन दोनों ने डिसाइड किया, इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि कब बेटा? 1 अक्टूबर को। मतलब 1 अक्टूबर को, मतलब साल के बीच में, साल के बीच में दोनों का कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा? 12 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 लाख। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताएं, इसका 15 लाख कैपिटल है, इसका कितना कैपिटल है? 15। इसका कितना हो जाए? 12। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसे 3 लाख रुपए ड्रॉन करने पड़ेंगे। इसे 3 लाख रुपए विदड्रॉन करने पड़ेंगे। और सर इसका 12 लाख हो जाए तो इसको 3 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे? इसको 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस्ड करने पड़ेंगे, इसे और पैसा लेके आना पड़ेगा। यस और नो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये 3 लाख निकाल के ले जाएगा तभी इसका कैपिटल कितना हो पाएगा? 12 लाख। और ये 9 में 3 ऐड करेगा तभी इसके कितने होंगे? 12 लाख। आओ जी कैलकुलेट करें, कैलकुलेट IOC। पहले किसका निकाल लें? ए का। किसका निकाल लें बेटा? ए का। ध्यान से समझो, आप मुझे बताओ 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं? सर आओ कैलकुलेट करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 महीने होते हैं। यहां से यहां तक बेटा 6 मंथ्स होते हैं, और फिर यहां से यहां तक
फिर दोबारा 6 महीने होते हैं। सर कैसे? हिसाब लगा लो बेटा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च, तो 6 महीने ये हो गए हमारे। ठीक है जी, ए के पास 15 लाख रुपीस कैपिटल था जिस पे इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 9%। कितना परसेंट है बेटा? 9% इनटू में कितने मंथ्स के लिए? 6 महीने के लिए। यस और नो? ऐसे ही बी के, ए के पास पहले 15 लाख था, फिर वो 3 लाख निकाल के ले गया, तो कैपिटल कितना बचा बेटा? 12 लाख, वही 9% पे, कितने मंथ्स के लिए? नेक्स्ट 6 महीने के लिए। किसके लिए बेटा? नेक्स्ट 6 महीने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट कितने मंथ्स के लिए? 6 महीने के लिए। आओ जी ध्यान से समझें, मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कितना आ रहा है। बताओ बच्चों, बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। वो कह रहा है बेटे, सर आ रहा है 67,500। बेटे पक्का यही आ रहा है? मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है तो बता दियो दोस्त, 67,500। ठीक है बेटा, ठीक है। आओ जी अब बताओ, 6 महीने के बाद इसने 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो कैपिटल कितना बचा? 12 लाख। 12 लाख रुपए कैपिटल है 9% पे नेक्स्ट 6 महीने के लिए, तो बताओ कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ, मुझे नहीं आता, बताओ कितना आ रहा है, आंसर दो बेटा जल्दी से। कितना आ रहा है बताओ? 54,000। ठीक है जी, ठीक है, 54,000 आ रहा है। बताओ बेटा इन दोनों का सम बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 121,500। ठीक है जी, ठीक है। आप कहते हो तो ऐसे ही होगा बेटा, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैथमेटिकली आपको बताओ, एक बार आप जरूर खुद से भी करके देख लेना कि सही है या नहीं, देख लेना कहीं सर ने गलत उलत ना करा दिया हो, मतलब मैंने। बी, बी की बात करते हैं। बी के पास साल के शुरू में कितना कैपिटल था बेटा? 9 लाख रुपीज, बिल्कुल सही बात। मल्टीप्लाई बाय इसे 9% इंटरेस्ट मिलेगा कितने मंथ्स के लिए? 6 महीने के लिए। यस और नो? यस, सही बात ना। पहले 6 महीने उसका कैपिटल कितना था? कितना था बेटा? 9 लाख रुपए। फिर उसने 3 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस करे, तब उसका कैपिटल कितना हो गया? 12 लाख रुपए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब 12 लाख हो गया। अक्टूबर में इसने जब 3 लाख रुपए और डाले तो कैपिटल कितना हो गया? 12 लाख। अब हम 12 लाख रुपीज पर इंटरेस्ट दे देंगे, कितना? 9%। कितने मंथ्स के लिए? नेक्स्ट 6 महीने के लिए। बताओ कितना हुआ बेटा? मेरे को नहीं आता, 9 लाख का 9% 6 महीने के लिए कितना आ गया बेटा? कितना कह रहे हो? 40,500। ठीक है दोस्त, अब मान लेते हैं आप सही कह रहे होगे, प्लस ये तो वही है 12 लाख का 9%, कितना हो गया? 54,000। दैट इज कितना हो गया ये बताओ? कितना हो गया? 94,500 हो गया। पक्का? कोई डाउट यहां तक? ए का भी हो गया और बी का भी हो गया। बेटा इसको करने का एक मेथड और है, वो हम डिस्कस अपनी लाइव क्लास में करेंगे, वो शॉर्टकट ट्रिक है, वो मैं आपको अपनी लाइव क्लास में समझाऊंगा, अभी सिर्फ हम इसे ऐसे ही समझते हैं। पक्का? चले आगे। आओ जी आगे ध्यान से देखो बेटा, आगे उसने कहा है कि जर्नल एंट्री पास करके दिखा दो। क्या पास करके दिखा दो बेटा? जर्नल एंट्री पास करके दिखा दो। आओ जी, क्या एंट्री बनेगी बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सर एक्सपेंस है ना, तो ठीक है जी, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए को, ए के कैपिटल को कितने से क्रेडिट करना है? 40,500 से, और बी के कैपिटल को 54,000 से क्रेडिट करना है, तो कितना हो गया बेटा?
नहीं सॉरी गलत कर दिया, ये है ना टोटल, तो टोटल तो ये रहा, टोटल कितना है ये रहा 1,21,000 और 94,500। तो ए को कितना इंटरेस्ट देना है बेटा, ए को इंटरेस्ट देना है 1,21,500 रुपए और बी को कितना देना है 94,500 देना है। तो टोटल कितना हो गया बताओ, टोटल हो गया 2,16,000। सही कह रहे हो बेटा, यही होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया क्योंकि फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, ए के कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा क्योंकि उसको इतने पैसे देने हैं। तो देने हैं कि खेली खेली करनी है, हाँ सर क्या करनी है, खेली खेली करनी है। और खेली खेली करोगे तो कैपिटल को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे बेटा, कर दिया इंक्रीज। नेक्स्ट फिर बी के कैपिटल को कितने से इंक्रीज कर दिया 94,500 से। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा, आगे चलें। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे एंट्री होगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किसे खत्म कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साल के आखिरी में ये एक्सपेंस जाके क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, राइट ऑफ हो जाएगा। राइट ऑफ कहां से जाके होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। एंट्री क्या होगी 2,00,000, ₹16,000 से। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत आराम आराम से और काफी सुंदर तरीके से कवर अप करा दिया। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा, पक्का क्या हम चल सकते हैं आगे, आओ जी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल। अभी मैंने आपको सेकंड एग्जांपल कराया, अब मैं आपको अपना फर्स्ट एग्जांपल कराने जा रहा हूं जो कि काफी सिंपल है। हाँ जी आओ जी डिस्कस करना शुरू करें अपना फर्स्ट एग्जांपल, अपने फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करना शुरू करें बेटा। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ते हैं पहले एक बार एग्जांपल में। लिखा है ऑन 31 मार्च 2020 को, मतलब साल के आखिरी दिन फर्म का जो कैपिटल है, जो कैपिटल है ए का और बी का, कितना है बेटा ए और बी का कितना है 18,00,000 और 12,00,000, कितना है 18,00,000 और 12,00,000। ऑन 1st of October ए इंट्रोड्यूस, ए ने डाले थे 6,00,000 रुपए अक्टूबर के महीने में, मतलब 6 महीने पहले ए ने कितने रुपए डाले थे बेटा 6,00,000, और बी ने विड्रॉ कर लिए थे कितने 3,00,000, कितने विड्रॉ कर लिए थे 3,00,000। आओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के भाव पे देना है, आप कैलकुलेट करके दिखाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पास करके दिखाओ, क्या बेटा जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाओ। स्टार्ट करें, आ जाओ जी स्टार्ट करें, हम इसका क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा सॉल्यूशन। आओ जी सबसे पहले वही बात, जहां बात ना समझ आए वहां पे क्या ड्रॉ कर लेनी चाहिए, हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। चले अच्छा 31 मार्च 20, ये साल शुरू कब हुआ होगा बेटा, 1st 4 19 को शुरू हुआ होगा। कब शुरू हुआ होगा 1st 4 19 को, और खत्म कब होगा 31 मार्च 20 को खत्म होगा। चले आगे आओ जी, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, ए का कैपिटल साल के आखिरी में 18,00,000 रुपए है बेटा, और बी का कैपिटल कितना बेटा साल के आखिरी में 12,00,000 रुपए। साल के बीच में यहां अक्टूबर के महीने में, कौन से महीने में अक्टूबर के महीने में, कौन से महीने में अक्टूबर के महीने में क्या हुआ बेटा, ए ने इंट्रोड्यूस किए हैं 6,00,000 और बी ने विड्रॉ किए हैं 3,00,000, यही है ना बेटा। ए ने इंट्रोड्यूस किए थे 6,00,000 और बी ने विड्रॉ किए थे। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यदि साल के एंड में एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी जेब में 18,00,000 रुपए हैं और मैंने 6,00,000 रुपए क्या किए हैं बेटा विड्रॉ, 6,00,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए हैं, 6,00,000 रुपए क्या किए बेटा
इंट्रोड्यूस किए हैं, तो जरूर साल के शुरू में मेरे पास कितना कैपिटल रहा होगा? 12 लाख रुपीस। तभी तो मेरी बात समझो, ईयर एंड पे मेरे पास 18 लाख है। ईयर एंड पे मेरे पास कितने है बेटा? 18 लाख। अक्टूबर के महीने में मैंने 6 लाख रुपए और डाले थे। पास्ट की बात हो रही है ना, पहले की बात। तो बताओ साल के शुरू में जरूर मेरे पास कितना पैसा रहा होगा? 12 लाख ना सर। प्लस कर रहे थे, आपने माइनस क्यों किया? बेटा रिवर्स चल रहे हैं ना। कैसे चल रहे हैं? रिवर्स। आप ऐसे सोच के देखो कि 12 लाख था, 6 डाला, तभी तो 18 लाख हो गया। 12 लाख थे, 6 लाख वो डाले, तभी तो कितने हो गए? 18 लाख हो गए। आगे चले, नेक्स्ट। आगे बी के पास ईयर एंड पे 12 लाख है। बी के पास ईयर एंड पे कितने बेटा? 12 लाख। इसने 3 लाख विड्रॉ किए हैं। 3 लाख क्या किए हैं? विड्रॉ। मतलब 3 लाख विड्रॉ करने के बाद उसके पास कितने बचे? 12 लाख। तो जरूर साल के शुरू में कितने रहे होंगे उसके पास? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। साल के शुरू में सर जरूर उसके पास 15 लाख होंगे, तभी तो 3 लाख विड्रॉ करने के बाद कितने बचे? 12 लाख। कैलकुलेट करें, आओ जी कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए? ए के लिए। आप मुझे बताओ अप्रैल से अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं? 6 मंथ्स। और अक्टूबर से मार्च तक फिर दोबारा कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स। 12 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% से 6 मंथ्स के लिए, प्लस 6 लाख और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया, तो अब कैपिटल कितना हो गया? 18 लाख। 18 लाख का 12% नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो बताओ कैलकुलेट करके बताओ क्या आता है बेटा। कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि क्या आ रहा है बेटा। कैलकुलेट करो, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है। कितना हो गया बेटे? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कितना है बताओ? 12 लाख का। आप एक काम करो, ये 12% है ना, और 6/12 का मतलब हाफ हो गया, तो सीधा क्या निकाल लो? 6 मंथ्स के लिए निकाल लो, 72,000 हो गया। ऐसे ही 18 लाख का भी 6% निकाल लो, ऐसे ही 18 लाख का भी 6% निकाल लो, सीधा 1,08,000। शाबाश, कितना आ गया? 1,08,000। प्लस कर लो, 108 प्लस 1,80,000 आ गया। कितना आ गया? 1,80,000 आ गया बेटा। ठीक है जी, ऐसे अब किसका निकाल ले बेटा? बी का भी निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं? बी का। आपको सबको दिखाई दे रहा है ये? समझ आ गया? ठीक है जी, आगे चलते हैं। बी साल के शुरू में कितना कैपिटल था बेटा? 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% 6 मंथ्स के लिए, प्लस इसने तो 3 लाख निकाल लिए थे ना बेटा। यदि इसने 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए थे तो कैपिटल कितना बचा होगा? 12 लाख। कितना परसेंट? 12%। कितने मंथ्स के लिए? नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। करो जी, करो करो बेटा, बताओ कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बताओ कितना आ गया बेटा? ए का 90,000। ठीक है जी, ठीक है। कितना आ रहा है ये? 90,000। और ये कितना आ रहा है सर? ये तो ऊपर ही कैलकुलेट किया था, देखो सेम 72,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,62,000 हो गया। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? पक्का? चले आगे। अब क्या कह रहा है वो? क्या करके दिखा दो इसकी? जर्नल एंट्री पास करके दिखा दो। क्या पास करके दिखा दो बेटा इसकी? जर्नल एंट्री पास कर दो। आओ करते हैं जर्नल एंट्री पास। क्या एंट्री होगी बोलो? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, खर्चा है, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। उसका खर्चा है 1,80,000,
और उसका 1,62,000, ये हो गया 3,42,000 प्लस नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ये तो एक्सपेंस की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस है, ए और बी को क्रेडिट किया क्योंकि फर्म इनके कैपिटल को रेस कर देगी, बढ़ा देगी। ऑन द अदर हैंड यहां जाओ, यहां जाओ तो क्या होगा एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बेटा मेरे पास स्पेस नहीं है, एंट्री 3,42,000 से होने वाली है। किसी को कोई डाउट इस एग्जांपल में, यहां तक सबको सारी बात समझ में आती है? ठीक है जी, आओ अब हम अपने थर्ड एग्जांपल पे मूव कर जाते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करें थर्ड एग्जांपल। किसी को कोई डाउट बेटा यहां तक थर्ड एग्जांपल पे, पहले दो एग्जांपल्स में किसी को कोई डाउट? आओ जी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने थर्ड एग्जांपल से। बेटा ये बैलेंस शीट है हमारे पास 31st of March 2020 की। आप मुझे एक बात का आंसर करें कि 31st मार्च को जो हमारे पास कैपिटल होता है, 31st मार्च को हमारे पास बैलेंस शीट में जो कैपिटल होता है वो कौन सा कैपिटल होता है? सर वो ना क्लोजिंग कैपिटल होता है। सही बात है, बैलेंस शीट साल के शुरू में बनती है, साल के आखिरी में बनती है, साल के आखिरी में। और साल के आखिरी में बैलेंस शीट में क्या पड़ा होता है, ओपनिंग कैपिटल के क्लोजिंग कैपिटल? सर क्लोजिंग कैपिटल बट ऑब्वियस है। आओ जी शुरू करें। तो 31st मार्च को वो बच्चे पूछ रहे हैं सर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही। बेटा इट इज अ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है और यह मैच नहीं करता, ये मैच नहीं करता। ये सिर्फ मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है अपने क्वेश्चन को समझाने के लिए। आओ जी शुरू करें। ए और बी का कैपिटल 3,00,000 और 2,00,000 है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज ₹60,000। फर्म ने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया है? 60,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। ड्रॉइंग करी है ए ने और बी ने कितनी बेटा? 20,000 and 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 6% पर एनम से। कैलकुलेट करके दिखाओ, कैलकुलेट, ये वर्ड लिखा है बेटा कैलकुलेट, आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वॉट इट, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? आओ जी शुरू करते हैं फिर। सर साल के आखिरी में तो एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बेटे कह रहे सर ये वर्ड नहीं समझ आ रहा। बेटा ये मैंने लिखा है सी ए एल सी, मतलब कैलकुलेशन। मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इशू है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको नहीं दिखा पा, मतलब ऐसा ही लिख पा रहा हूं। कह रहे नहीं सर आप अच्छे से लिख दो। मैंने कहा ये लो भाई स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, तो एक बात समझो, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। सर जी क्लोजिंग कैपिटल इसमें ऐड कर लो ड्रॉइंग्स, इसमें माइनस कर लो प्रॉफिट्स, तो ये क्या निकल आएगा बेटा? ओपनिंग कैपिटल। ये मैंने आपको अपनी लास्ट लेक्चर में ये वाली बात समझाई थी, साल के शुरू में कैपिटल होता है उसमें ऐड करो प्रॉफिट, उसमें से लेस क्या करो ड्रॉइंग्स, उसमें से लेस क्या करो ड्रॉइंग्स, तो ये हमारा क्या निकल आएगा बेटा? क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। उसी तरीके से जब मैंने इसको रिवर्स सॉल्व किया, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आया, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यदि आपको यहां पे जरा सा भी डाउट हो रहा है बेटा तो आप 9th वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है जी, तो आप मुझे बताएं क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है बैलेंस शीट में? 3,00,000 और 2,00,000। वेरी गुड। ड्रॉइंग्स कितनी कर रखी हैं? 20,000 और 30,000।
प्रॉफिट कितना है सर? 60,000 का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है बेटा? 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है, जो कि कौन सी रेशियो में बांट दिया? 3:2 में। तो कितना हो गया? 36,000 और 24,000, आई थिंक 60 हो गया ना। ठीक है, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल बता दो कितना आ रहा है बेटा। आप मुझे बता दीजिए कि ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है। सर अभी बताते हैं, बताओ बेटे बताओ कितना आ रहा है। एक का, एक का कितना बेटा? 2 लाख। क्या कह रहे हो? 2,84,000। ठीक है जी। बी का बताएं कितना आ रहा है बेटा। कितना बेटा बता दो, बता दो जल्दी बताओ। 2,06,000। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से कैलकुलेट करना है? 6% पर एनम से। तो कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है, करो भाई करो। कितना आ गया? कितने? 12,360 रुपए। ठीक है जी। ऐसे बेटा अब ए का भी बता दो कितना है। कितना? 17,040 रुपीज। सही है? अच्छा चेक करके बता दो। चलो बता दो बेटा, एक बार चेक करके बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है ना बेटा, यही आंसर है। ठीक है जी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, एक बात और समझते हैं। सर उसने मांगी नहीं है, मैं फिर भी आपको दोबारा से एक बार क्या करके दिखाता हूं, इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं। क्या एंट्री होगी आप मुझे बताएं बेटा? एंट्री होगी सर खर्चा अकाउंट डेबिट। तो खर्चे का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू किसको देना है? टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। कितना देना है इसको? 17,040 रुपीज और इसको देना है 12,360। बताओ टोटल कितना हो गया? बताओ बताओ जल्दी बताओ। 29,400। शाबाश। आगे बताओ बेटा फिर क्या होगा? दे दिया, अब बताओ क्या करूं? अच्छा अब इस एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दें। राइट ऑफ करने के लिए क्या करें? सर क्रेडिट कर दो। सर फिर डेबिट किसको करें? सर खर्चा कहां जाके क्लोज होता है? लगता है सर पढ़ा पढ़ा के आप ही भूल गए। नहीं नहीं मुझे याद है बेटा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ। अच्छा ठीक कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आते हैं? पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं, आउटसाइडर से रिलेटेड नहीं आते। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 29,400। यहां तक मैंने आपको अपना थर्ड एग्जाम्पल विद जर्नल एंट्री सारे का सारा बेटा समझा दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? क्या हम आगे चल सकते हैं? ठीक है जी, इसे ध्यान से देखें एक बार, इसे ध्यान से देखें। ठीक है जी, ठीक है जी, आओ फोर्थ एग्जाम्पल शुरू करें। ठीक है बेटा, फोर्थ एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। इसके अंदर कुछ बातों को हम ध्यान देते हैं, समझते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं बेटा। बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की दे रखी है। बैलेंस शीट जो हमें दे रखी है वो 31 मार्च की, मतलब साल के आखिरी दिन की दे रखी है, जिसमें एक्स का कैपिटल 6 लाख और वाई का कैपिटल 3 लाख रुपए बेटा। ठीक है, जनरल रिजर्व पड़ा है 50,000, ड्रॉइंग्स ऑफ ए 50,000। सर मुझे इसका मतलब समझाओ कि ए की ड्रॉइंग 50,000 रुपए बैलेंस शीट के अंदर पड़ी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो बेटा ध्यान से समझना, बी की भी ड्रॉइंग्स दे रखी है 60,000 रुपीज। ए और बी दोनों की ड्रॉइंग दे रखी है, दोनों की ड्रॉइंग में फर्क क्या है? पहले हम इस बात को समझें। ए और बी, मान लो जब ड्राइंग करी होगी तो क्या एंट्री करी होगी? एंट्री करी होगी ड्राइंग्स ए बी, एंट्री करी होगी ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। ए ने करी 50,000 की और बी ने भी एंट्री करी होगी ड्राइंग्स डेबिट टू कैश 60,000। यस और नो? यहां तक बात समझ आई? सर इसके बाद ड्राइंग को राइट ऑफ कर दिया होगा। राइट ऑफ कहां से किया होगा? कैपिटल से।
मतलब इसके बाद हमने ड्रॉइंग को खत्म कर दिया होगा। ए के केस में हमने राइट ऑफ नहीं की, तभी हमें वो ड्रॉइंग बैलेंस शीट के अंदर ही दिखाई दे रही है। सर अभी भी बात नहीं समझ आई कोई? बेटा बस मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ, कसम से दिक्कत आने नहीं दूंगा, आपके साथ बैठा हूं मैं, आप ध्यान से सुनो बस मेरी बात को, आगे सुनो। बी के केस में सुनो, बी की ड्रॉइंग कहां दिखाई दे रही है आपको? बैलेंस शीट के बाहर नोट्स में दिखाई दे रही है, तो जरूर एंट्री हो चुकी होगी। बीज कैपिटल डेबिट टू ड्रॉइंग्स, कितने से? 60,000 से। इसका मतलब बी की ड्रॉइंग बी के कैपिटल से कट गई, तभी तो ड्रॉइंग दिखाई नहीं दे रही। देखो ड्रॉइंग से ड्रॉइंग कट गया, तो एंट्री क्या हुई? बीज कैपिटल टू कैश, इसका मतलब बी का कैपिटल कम हो चुका है पर ए का कैपिटल कम नहीं हुआ। ए के केस में सिर्फ ए की एंट्री हुई है ड्रॉइंग्स टू कैश, ए के केस में सिर्फ ए की एंट्री हुई है बेटा ड्रॉइंग्स टू कैश, पर बी के केस में दोनों एंट्रीज हो चुकी है, बी के केस में दोनों एंट्रीज हो चुकी है, ड्रॉइंग्स टू कैश और बीज कैपिटल टू ड्रॉइंग। बी कैपिटल टू ड्रॉइंग का क्या मतलब है? मतलब बी के कैपिटल को कम कर दिया गया उसके ड्रॉइंग के अमाउंट से। इसका मतलब When you are calculating, when we calculate opening capital, then drawings will be added only in the case of B. बी के केस में ही ड्रॉइंग ऐड होगी, ए के केस में नहीं, क्योंकि ए की ड्रॉइंग माइनस हुई ही नहीं है। कोई डाउट बेटा आपको यहां तक? ठीक है जी, आओ अब हम क्या कैलकुलेट कर ले, अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ले बेटा। आओ जी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा हम? सबसे पहले अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से अब यहां तक समझ लीजिए, कोई भी डाउट आता है तो हम इसके बारे में बात करते हैं। आओ जी करें कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो किसका कैपिटल ले लें? एस कैपिटल, फिर किसका ले लें? बीस कैपिटल। क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, माइनस करेंगे प्रॉफिट। तो इससे क्या निकल आएगा बेटा मेरा? ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेटा मेरा? ओपनिंग। ए का क्लोजिंग कितना है? 6 लाख, और बी का क्लोजिंग कितना है बेटा? 3 लाख। ड्रॉइंग्स कितनी है बेटा, मुझे मेरी बात बताओ, ड्रॉइंग्स कितनी है मेरा बेटा? ड्रॉइंग ए की ड्रॉइंग नहीं आएगी, क्योंकि वो बैलेंस शीट के अंदर पड़ी है, वो अभी कैपिटल में से माइनस हुई ही नहीं थी, इसलिए अब हम उसे ऐड भी नहीं करेंगे, वो अभी भी फर्म के पास एज एन असेट ही दिखाई दे रही है। बी की माइनस होगी सिर्फ, बी की सिर्फ ऐड होगी। क्यों? क्योंकि बी की कैपिटल, बी की ड्रॉइंग बी के कैपिटल से माइनस हो चुकी है। ठीक है जी, कितना बेटा? 60,000। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹1,50,000। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 1.5 लाख, आउट ऑफ विच इसमें से 50,000, ये वर्ड लिखा है बेटा ट्रांसफर टू, जीआर का मतलब होता है जनरल रिजर्व, इसमें से ₹50,000 हमने ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व में। हाँ सर हाँ, तभी तो वो जनरल रिजर्व हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रहा है, सही बात है ना? ठीक है, तो ₹50,000 जनरल रिजर्व हमें दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के अंदर, इसका मतलब फर्म ने साल भर में 1.5 लाख रुपए कमाया, जिसमें से ₹50,000 रिजर्व बना के रख दिए। तो इट मीन्स बाकी 1 लाख रुपया फर्म ने क्या किया होगा बताओ? सर हाँ सही कह रहे हो, किसमें बांट दिया होगा बेटा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा तो उनके अकाउंट को बढ़ा दिया होगा। तो जब आप क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे आ रहे हो तो उसे क्या कर लोगे? वापस से लेस कर दोगे। ठीक है जी, कितना बेटा? 40,000, और इसके केस में 60,000।
इसका कितना बचेगा 5,60,000 और बी के केस में होएगा सिर्फ 3,00,000 दोबारा से आ जाएगा बेटा। अब क्या कैलकुलेट कर ले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे 9% पर एनम पे 9,327,000 बेटा ये तो मैं बता देता हूं। दूसरे वाला आप मुझे बता दीजिए कितना आएगा बेटा जल्दी बताओ कितना है सर 50,400 कोई डाउट यहां तक किसी को? हां जी यहां तक सारी बात समझ आ गई बच्चा? ठीक है जी। सर मैं फिर से एक बार आपको एंट्री बता रहा हूं। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना बेटा 50,400 और 27,000 तो कितना हो गया 77,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया बेटा हमने डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस है। ए और बी को ये पैसे देने हैं तो फर्म उनके अकाउंट में क्या कर देगी दे देगी क्रेडिट कर देगी तो उनका अकाउंट मैंने बढ़ा दिया। फिर फर्म इसे अपना क्या मानती है एक्सपेंस तो क्या एंट्री करेगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना बेटा 77,400। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कहीं पे भी बेटा कुछ थोड़ा सा भी डाउट है तो बेहिचक जब मर्जी आप वीडियो देख रहे हो आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम लोग, ठीक है? जहां पे कुछ भी जरा सा भी डाउट होता है तो आप वीडियो को पॉज करें और उसी डाउट को उसी टाइम क्लियर कर लें, बाद के लिए ना छोड़ें। हम आपके साथ हमेशा हैं इस क्रूशियल टाइम में, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय।